चतुर्थः पाठः संस्कृत खंड है प्रबुद्धो गानगः। ये कक्षा दशम विषय हिंदी का चतुर्थः पाठ है संस्कृत खंड। पाठ का नाम है प्रबुद्धो गानगः। प्रबुद्ध माने ज्ञानी, ग्रामीण गांव का निवासी, ज्ञानी गांव का निवासी। अक्सर लोग मानते हैं कि गांव के निवासी जो है ज्ञानी नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं। इसी का खंडन इस पाठ में किया गया है कि गांव के लोग भी शहर के लोग की तरह, नागरिक की तरह ज्ञानी होते हैं, शिक्षित होते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रतिगच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः जनाः माने बहुत से लोग, धूमयानम् माने रेलगाड़ी में आरुह्य बैठकर नगरं प्रतिगच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। गच्छन्ति माने जा रहे हैं, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। तेषु माने उनमें, केचित् केचित् माने कुछ, ग्रामीणाः माने गांव के निवासी थे, माने गांव में रहने वाले ग्रामीण थे, और केचित् च और कुछ नागरिक, आसन आसीत् का बहुवचन है आसन, अस धातु में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आसन, आसीत मन था, आसन मन थे, बहुवचन का रूप है। तो तेषु मन उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे, उन यात्रियों में कुछ गांव के निवासी थे और कुछ नगर के निवासी थे। मौनम स्थितेषु तेषु मन मौन उन यात्रियों में एक नागरिक ने ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का उपहास करता हुआ अकथयत मने कहा। तो मौन उन यात्रियों में एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करता हुआ कहा। ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता ज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा माने गांव के निवासी, अद्यापि अद्यापि माने आज, संधि विच्छेद करेंगे अद्यापि। अद्य धन अपि इसका अर्थ है आज भी। तो ग्रामीणा अद्यापि माने गांव के लोग आज भी पूर्ववत, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षित और अज्ञा माने अज्ञानी संति है। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तेषां विकासः अभवत् न तो उनका विकास हुआ, न च भवितुं शक्नोति और न हो सकता है, माने न तो ग्रामीणों का विकास हुआ है और न उनका विकास हो सकता है, क्योंकि वे अशिक्षित और अज्ञानी है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य माने उसके, तादृश माने वैसे, जल्पनं जल्पनं माने कथन, जल्पनं जल्पनं कथन कहना। तो तस्य तादृश, तादृश माने उस प्रकार की, उसके उस प्रकार के कथन को सुनकर, श्रुत्वा श्रुत्वा माने सुनकर, कोऽपि चतुरः ग्रामीणः कोई चतुर ग्रामीण ने अब्रवीत माने कहा। भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत। भद्र नागरिक भवान एव माने आप ही, किंचित ब्रवीत माने कुछ कहिए, आप ही कुछ कहिए। यतो ही माने क्योंकि, भवान शिक्षितः बहुज्ञश्च अस्ति। आप शिक्षित और बहुज्ञ माने अधिक ज्ञाता, अस्ति माने है, क्योंकि आप शिक्षित और अधिक ज्ञाता हैं, इसलिए आप ही कुछ कहिए। भवान एव किंचित ब्रवीत माने आप ही कुछ कहिए। इदम् आकर्ण्य सह नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम् उन्नमयि अकथयत्। इदम् आकर्ण्य माने यह सुनकर, सह नागरिक वह नागरिक माने उस नागरिक ने, सदर्पो माने घमंड के साथ, सदर्प सदर्प दर्प माने घमंड, सदर्प माने घमंड के साथ, सदर्प सदर्पा माने घमंड के साथ, सदर्पो माने घमंड के साथ ग्रीवाम उन्नमय, ग्रीवा माने गर्दन को, उन्नमय माने ऊपर करके अकथयत् माने कहा। तो इदम् फिर से देखें, इदम् आकर्ण्य यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ यानी गर्व के साथ
अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर कहा, कथयिष्यामि, कहूंगा परम पूर्वम समय विधातव्यम। परम मन लेकिन पूर्व मन पहले, समय विधातव्य मने शर्त रखनी होगी। कहूंगा लेकिन इससे पहले, मेरे कहने से, कुछ कहने से पहले शर्त रखनी होगी। समय, समय माने शर्त, समय माने टाइम से मतलब यहाँ नहीं है, समय, समय माने शर्त। कहूंगा लेकिन सबसे पहले शर्त होनी चाहिए, समय विधातव्य। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य मन उसकी ताम वार्ता मन उस वार्ता को सुनकर, चतुरह ग्रामीण कथित, चालाक ग्राम, चतुर यानी चालाक ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता, भो मने अरे, वयम हम लोग, अशिक्षिता मने अशिक्षित है, मने हम ग्रामीण के लोग, गांव के लोग अशिक्षित है, भवान च शिक्षित और आप शिक्षित है, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ माने कम जानने वाले, हम अल्पज्ञ हैं, माने हम गांव के लोग अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं, भवान च बहुज्ञ और आप अधिक जानने वाले हैं। इति एवं विज्ञाय, माने ऐसा जानकर, इति एवं विज्ञाय माने ऐसा जानकर, अस्माभि समय कर्तव्य माने हम लोगों को शर्त करनी चाहिए, शर्त रखनी चाहिए, माने उस शर्त ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके लिए अधिक हो और हमारे लिए कम हो। फिर से देखेंगे, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञ हैं, भवान च बहुज्ञ, आप अधिक ज्ञाता हैं। इत्येवं विज्ञाय, मैंने ऐसा जान कर कि ही अस्माभिः समय कर्तव्य, हम लोग को शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकां प्रक्षामः, हम परस्परम मैंने आपस में, प्रहेलिका मैंने पहेली, प्रक्षामः पूछेंगे, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ, यदि आप उत्तर देने में समर्थ हैं, यानी आप पहेली का उत्तर दे सकते हैं, न भविष्यति, समर्थ न भविष्यति मतलब समर्थ नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा मने तब भवान 10 रुपये दर्शक्ति, आप 10 रुपये देंगे। यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं रहेंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम लोग, वयम हम लोग, हम गांव के लोग उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, उत्तर नहीं दे सकेंगे, तदा 10 रुपये अर्थ, तब 10 रुपये के आधा 5 रुपये मैंने 5 रुपये दास्यामः मैंने देंगे। तो हम नागरिक 10 रुपये के आधा 5 रुपये देंगे। क्यों 5 रुपये देंगे? क्योंकि हम लोग तो अपने आप ही कम ज्ञाता है, अधिक अल्पज्ञ हैं, कम ज्ञानी हैं, और आप शहर के नागरिक हैं, आप लोग अधिक जानकारी हैं। आप लोग आम, आम माने हाँ, स्वीकृत है समय माने शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन, उसके ऐसा कहने पर, इति कथिते तस्मिन नागरिक, उस नागरिक के ऐसा कहने पर, सह नाग, सह ग्रामीण नागरिकम अवदत, उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथमं भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए, पहले आप ही पृच्छत पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अगत्यत, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण अवदत, गांव का निवासी ग्रामीण ने अवदत मैंने कहा, युक्तम ठीक है, युक्तम ठीक है, अहम एव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछ रहा हूँ। तो ये संस्कृत का श्लोक है, पहेली है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। इसका अर्थ है कि अपदो माने पैर नहीं है, अपद माने बिना पैर वाला है, दूरगामी च लेकिन दूर जाता है, बिना पैर वाला है लेकिन दूर जाता है, पैर न होते हुए दूर तक जाना असंभव है, लेकिन वह ऐसी वस्तु है जो बिना पैर की है, अपद बिना पैर की है लेकिन दूर जाने वाली है। साक्षरो न च पंडित, वह साक्षर है, साक्षर के दो अर्थ, साक्षर माने अक्षरों से युक्त, और साक्षर माने जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उसे भी साक्षर कहते हैं। तो साक्षर माने पढ़ा लिखा, साक्षर माने अक्षरों से युक्त। तो साक्षरो साक्षर है, न च पंडित है, लेकिन पंडित नहीं है, पंडित माने विद्वान नहीं है, साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है। अमुख बिना मुख वाला है, उसका मुख भी नहीं है, लेकिन स्फुट वक्ता च स्पष्ट बोलने वाला है, बिना मुख का कोई स्पष्ट बोल दे या संभव है, लेकिन वह अमुख मतलब बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है।
यो जानाति स पंडित, जो जानता है वही पंडित, माने जो इस पहेली का अर्थ जानता है वही पंडित है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखेंगे। अपदो दूरगामी च, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो, अक्षर से युक्त है, साक्षर है लेकिन पंडित यानी विद्वान नहीं है। पंडित का मतलब तिलक लगाने वाला, माला फेरने वाला, कथा वाचने वाला नहीं होता। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है। अमुख, बिना मुख वाला है लेकिन स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है, माने उसका मुंह नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, माने भाव को स्पष्ट कर देता है, कहने का मतलब है। अमुख स्फुट वक्ता, अच्छा बिना मुख वाला है और साफ साफ बोलता है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका उत्तर आप बताइए। नागरिक बहु कालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहु कालम यावत माने बहुत देर तक, अचिंत्यत माने सोचता रहा, नागरिक बहुत देर तक, बहु कालम यावत बहुत देर तक अचिंत्यत सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात पहेली का उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण से कहा, अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस प्रहेलिका का, इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि माने तो, ददातु 10 रुपयाणि, तो 10 रुपया दीजिए। तो यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। तर्हि, यदि, यदि माने यदि, तर्हि माने तो, तर्हि अव्यय शब्द है, अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपयाणि दत्तानि। अतः इस प्रकार मलान मुखेन मने मलिन मुख वाले नागरिक के द्वारा समयानुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपयाणि दत्तानि, 10 रुपये दिए गए, मने मलान मुख मलिन मुख वाले उस नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः दोबारा उस ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छ पहेलिका, इस समय आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्नः नागरिकः बहु कालं विचारि न कांचित प्रहेलिकां अस्मरत्। दंड दानेन खिन्नः माने दंड दान, दंड दान से खिन्न, खिन्न माने दुखी नागरिक, बहु कालं विचारि माने बहुत समय तक विचार करके, न कांचित प्रहेलिकां अस्मरन् माने कोई पहेली नहीं याद आई, माने दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत देर तक विचार करने के बाद भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः, इसलिए अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला। लज्जमानः लज्जित होते हुए, तो अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का, अपनी पहेली का उत्तर आप स्वयं ही बताओ, जो आपने पहेली पूछी है उसका उत्तर आप स्वयं बताइए। तदा सह ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति। तदा मने तब सह ग्रामीण, उस ग्रामीण ने विहस्य मने हंसते हुए स्वपहेलिकाया मने अपनी पहेली का सम्यक उत्तर अवदत् सही उत्तर बताया। सम्यक मने ठीक ठीक, सही उत्तर अवदत् मने कहा, बताया, क्या सही उत्तर बताया, इस पहेली का सही उत्तर क्या है, पत्रम, इस पहेली का सही उत्तर है पत्रम, चिट्ठी से कहते चिट्ठी पत्र। यतो ही मने क्योंकि, इदम पदेन बिना दूरम याति, इदम पदेन बिना पे मने यह बिना पैर के भी, पदेन बिना पे मने बिना पैर के भी दूर अभियात दूर तक चलता है, चला जाता है, मने चिट्ठी, चिट्ठी के पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वह बहुत दूर तक, जहां उसको पता लिखा होता है वह चली जाती है। अक्षर युक्तम अपि न पंडिता भवति, अक्षर युक्तम अपि मने अक्षरों से युक्त होते हुए, मने उस चिट्ठी में अक्षर होते हैं लेकिन वह स्वयं पंडित विद्वान नहीं होती, वो चिट्ठी विद्वान नहीं होती, पत्र विद्वान नहीं होता। तो अक्षर युक्तम अपि, अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं होता। एतस्मिन् एव काले, उसी समय तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेल यानात अवतरी स्वग्रामं प्रति अचलत, सह मने वह विहसन मने हंसते हुए मुस्कुराते हुए रेल यानात अवतरी, रेल यान से उतर कर स्वग्रामं प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा
पूर्ववत तुष्णीम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित होकर, लज्जित भूत्वा माने लज्जित होकर, भूत्वा भूत्वा माने होकर। नागरिक लज्जिता भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर, पूर्ववत माने पहले की तरह, तुष्णीम अतिष्ठत माने चुप रहा, तुष्णीम माने चुप, तुष्णीम चुप या शांत, चुप शांत, मौन भी कर सकते हैं, मौन चुप शांत मौन इत्यादि। नागरिक लज्जित होकर के पहले की तरह चुप रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। सर्वे यात्रिणः माने सभी यात्री, वाचाल माने बातूनी, अधिक बोलने वाला, वाचाल मौन का भी होता है वाचाल। तो सभी यात्री, वाचाल माने बातूनी, तम नागरिकं दृष्ट्वा उस नागरिक को देखकर, अहसन् माने हंसने लगे। तदा सह नागरिक अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तदा माने तब उस नागरिक ने अनुभवत माने अनुभव किया, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है, चाहे गांव हो चाहे नगर हो, सभी लोग माने गांव और नगर में रहने वाले सभी लोग ज्ञानी हो सकते हैं। फिर से देखे पंक्ति का, तदा सह नागरिक अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिके भी प्रवृत्तर भवन्ति। ग्रामीणा अपि माने गांव के निवासी भी, गांव के लोग भी, कदाचित माने कभी, नागरिके भी माने नागरिकों से प्रबुद्धतर भवन्ति माने अधिक ज्ञानी होते हैं, माने गांव के लोग भी कभी नागरिकों से अधिक ज्ञानी होते हैं। धन्यवाद। आगे के क्लास में इस पाठ का वीडियो पीडीएफ के द्वारा आप इसका प्रश्नोत्तर, पाठ के प्रश्नोत्तर और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ये दोनों काम भेजेंगे। धन्यवाद।